Assalamu alaikum. I am Shah Saud and you are watching Easy Engineering Tutorials. Today we will talk about equilibrium, condition of equilibrium and different states of equilibrium. But before moving on to the video, if you not subscribed to our YouTube channel yet, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक गूगल क्लासरूम या और सोशल मीडिया नेटवर्क से देख रहे हो तो वीडियो के ऊपर हमारे चैनल का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट अंटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, और a body is said to be in equilibrium if there is no net force act on it. तो अभी इसका मतलब क्या है? No net force act on it. अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस अमल कर भी रही हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। यानी बॉडी का जो स्टेट है, ख्वा वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। एक तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और दूसरी तरफ से उस पे रेजिस्टेंस फोर्स अमल करेगा, वो भी मुखालिफ सिमत में, अपोजिट डायरेक्शन में, और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी जो इफेक्ट है उसको कैंसिल करेगा और बॉडी के स्टेट में पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो आते हैं एग्जांपल की तरफ। लेट सपोज ए बीम, तो मैं एक बीम ले लेता हूं और बीम पर मैं एक्सटर्नल लोडिंग लेता हूं। सपोज 10 किलो न्यूटन मैंने यहाँ लिया, 10 किलो न्यूटन मैंने यहाँ लिया। सपोज दिस इज W1 एंड दिस इज W2। ये एक्सटर्नल लोड है और ये वाई डायरेक्शन में बल अमल कर रहा है। तो अभी जब ये बीम पर अमल कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास है R1 और R2 जो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये फोर्स नीचे की तरफ अमल कर रहा है और ये फोर्स जो है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दे रहा है। यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो इस फोर्स की जो इफेक्ट है वो R1 और R2 कैंसिल करेगा, वो कैंसिल करेगा। इसकी जितनी भी मैग्नीट्यूड होगी उतना ही रेजिस्टेंस R1 और R2 देगा और जो बीम है वो स्टेबल हालत में ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस अमल कर रही हो W1 एंड W2, तो इसके मुखालिफ सिमत में भी लोड अमल कर रहे होंगे जो एक्सटर्नल फोर्स की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और बॉडी जो है वो स्टेबल रहेगा, यानी उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नाउ देयर आर 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑल फोर्सेस, फर्स्ट कंडीशन that summation of all forces along y-axis will be equal to 0. The second condition is summation of forces along x-axis is equal to 0. And the third condition is that summation of moment is equal to 0. Equilibrium ki 3 conditions है। फर्स्ट कंडीशन है कि जितने भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में किसी भी बॉडी पर अगर अमल कर रहे हैं तो इसकी जो समेशन है वो 0 के बराबर होंगे। अगर 0 के बराबर नहीं होंगे तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। दूसरा हमारे पास कंडीशन है दैट समेशन ऑफ फोर्सेस
along x-axis will be equal to zero, अगर ये जीरो के बराबर नहीं होंगे तो फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन है कि जितना भी मोमेंट है किसी बॉडी में उसका जो समेशन है वो जीरो के बराबर होगा। अगर पूरा मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी जो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है किसी भी बॉडी में, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर नहीं होगा तो एक ज्यादा होगा और एक कम होगा और बॉडी में टॉर्क या मोमेंट पैदा हो जाएगा। तो इसी तरह बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम की ये हमारे पास तीन कंडीशन है, ये लाजिमी होना चाहिए दैट समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नाउ देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट वन इज stable equilibrium, the second one is unstable equilibrium, and the third one is neutral equilibrium. So what is stable, unstable and neutral equilibrium? The first one, stable equilibrium. So a body is said to be in stable equilibrium if after a slight touch it will come back to its previous position, so this is called stable equilibrium. Now, example of stable equilibrium, for example a book, this is a table, the book is laying on the table. If I slightly lift the book, suppose I lift the book slightly to this position, so this is the center of gravity of the book, and here the center of gravity of the book is raised. यह जो center of gravity है, suppose वो नीचे है, और जब मैंने book को थोड़ा सा उठाया, थोड़ा सा lift किया, तो book का जो center of gravity है, ऊपर की तरफ चला गया। अभी आप अपनी जहन में सोचे, अगर मैं इस book को छोड़ू तो ये किस तरफ जाएगा, ये वापस अपनी पोजीशंस में जाएगा, जो प्रीवियस पोजीशन है उस पोजीशन में जाएगा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम सबको तो ये पता है, अगर मैंने थोड़ा सा उठाया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो रेज्ड हुआ, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड हुआ तो ये वापस नीचे जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन में चला जाएगा, ये तो सबको पता है। मगर इसकी रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड होने से ये वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ रहा है? रीजन इसकी ये है कि जब हमने इसको रेज किया, फर्स्ट बुक जो है वो इस रेफरेंस इस टेबल पर पड़ी हुई है, और इसका जो बेस है वो ये है। सपोज जब हमने इसको रेज किया तो इसका बेस ये है, हमारे पास ये हमारे इसकी बेस है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी रेज हुआ। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस बॉडी का पूरा वजन इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इफेक्ट कर रही है। जब इस पर इफेक्ट कर रही है तो वेट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है वो, अगर हम नीचे यहां से, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जब हम सीधा लाइन ड्रा करेंगे तो जो लाइन है, इस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, और ये लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बेस के अंदर है, यानी बेस से बाहर नहीं जा रहा है, बेस के अंदर एक्ट कर रहा है ये लाइन ऑफ एक्शन। अगर लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर एक्ट कर रहा है तो ये बॉडी वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा।
और अगर ये लाइन ऑफ एक्शन बेस के अंदर नहीं आ रहा है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ऊपर की तरफ उठाया और फिर मैंने इसको छोड़ने दिया, तो ये जो है नीचे वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। और इसका रीजन भी मैंने बताया कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इससे एक लाइन गुजारा जाता है, इस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन बेस को कट कर रहा हो तो ये बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में चला जाएगा, और जब ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में चला जाता है तो इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर? नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सेम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जब हम बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब और फिर ये बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में ना आए, तो इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सपोज मैं एक पेंसिल ले लेता हूं, सपोज ये हमारे पास एक पेंसिल है या एक पेन है, जो भी है, ये टेबल पर पड़ी हुई है। अगर मैं इस पेन, सपोज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पेंसिल है, अगर मैं इस पेंसिल को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी लोअर पोजीशन में चला जाएगा। और अगर फिर मैं इसको छोड़ने दूं तो क्या ये पेंसिल या ये पेन वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा? सो नो, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने पहले भी बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं एक लाइन गुजारता हूं और इस लाइन को मैं बोलता हूं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट, यानी लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन बेस को कट कर रहा हो, जो भी बेस हो, ये पेंसिल की बेस को कट कर रहा हो, तो ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा। और अगर ये लाइन ऑफ एक्शन बेस को कट नहीं कर रहा हो तो ये अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। और इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ द थर्ड वन इक्विलिब्रियम, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर किसी बॉडी को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं तो वो प्रीवियस पोजीशन में फिर ना आए और अपनी न्यू पोजीशन में रुक जाए, तो इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के जो एग्जांपल हम देते हैं वो एक बॉल की देते हैं, एक रोलिंग बॉल। सपोज हमारे पास एक बॉल है और मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, तो आपको ये पता है कि बॉल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर यानी इसके बीच में होता है, यानी जो पॉइंट्स है, जो सर्कल का पॉइंट्स है, स्पेयर जो सरकमफेरेंस है, इससे सेम डिस्टेंस पर होता है बॉल, एक स्पीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं, सपोज ये एक मेज पर पड़ी हुई है, एक टेबल पर पड़ी हुई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं तो ये थोड़ा सा रोल होता हुआ, एक पासिला कवर करता हुआ एक न्यू पोजीशन में रुक जाएगा। और अगर हम न्यू पोजीशन को देखें तो इसके का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेफरेंस लाइन से सेम पोजीशन में होगा, सेम डिस्टेंस में होगा, यानी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना तो रेस्ड होगा ना लोअर होगा, बल्कि सेम पोजीशन में होगा। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ आपके जहन में ये सवाल जरूर पैदा होगा कि सर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है, बॉडी है वो ऐसी कंडीशन में है,
कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये तो इक्विलिब्रियम है, तो इसकी जो स्टेट है वो कहां से आ गए। तो सपोज अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बुक जो है ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है, ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है और ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है, तो अगर आपको समझ आ गई हो तो आप उसको ये बताओगे जो मैंने बताया, आप उसको बताओगे कि भाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस चला जाता है डिस्टर्ब करने के बाद, ये अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं चला जाता डिस्टर्ब करने के बाद तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और ये एक न्यू पोजीशन इख्तियार कर लेता है डिस्टर्ब करने के बाद, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेफरेंस एक्सिस से सेम फासले पर है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अभी इंजीनियरिंग के जो मेरे स्टूडेंट है उसके जहन में ये जरूर ख्याल आया होगा कि सर हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, ये इक्विलिब्रियम कहां से आ गया। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी एंड डिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर, और स्टेबिलिटी और डिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर का बेसिक कंसेप्ट जो है वो इक्विलिब्रियम से शुरू होता है, तो इसलिए हमने पहले ही टॉपिक में इक्विलिब्रियम को कवर किया। थैंक यू।